मैं मनजीत कौर स्वागत करती हूँ तुहाडा सारिआं दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। अज आपां गोभी वाले चौल बना के तैयार करांगे ते इह चौल जिहड़े आ आपां थोड़े जिहे अलग तरीके दे नाल बनावांगे ते खाण दे विच इहनां दा जिहड़ा स्वाद आ बहुत ही वधिया होऊगा ते देखण दे विच वी इह देखो जिन्ने ज़्यादा वधिया लगदे पए आ उन्ने ही ज़्यादा इह खाण दे विच वधिया आ। इहदा स्वाद होर वी ज़्यादा वधिया आ जिन्ने ज़्यादा इह देखण दे विच वधिया लगदे पए आ। ये वीडियो दे विच इन दस्या है आपां हर एक चीज़ की केड़ी केड़ी तुसी चीज़ दे विच पानी है ते सारियां चीज़ां जिहड़ियां सानू घर दे विच मिल जाणियां है। वीडियो नू अखीर तक देखियो, वीडियो नू शुरू कर दे। हुण सब तो पहला जिहड़े इहदे वास्ते आपां चौल उबाल के तैयार कर रहे हैं वह तैयार कर लैंदे हैं। एक गिलास देखो जिहड़ा मैं चौलों का लिया, चौलों नू चंगी तरह धो के इहनू हुण असीं पानी च पा देना। तीन चार वारी मैं धो ले सी पानी दे विच। सेक जिहड़ा आ तेज़ रख्या होया जदों तक चौल जिहड़े साडे उबलदे आ गोभी नूं आपां तैयार कर लैंदे आ। हुण लवांगे आपां एक डोंगा, अद्धा किलो आपां गोभी लई आ, गोभी जिहड़ी आ चंगी तरह धो ली आ, गोभी इहदे च पा देणी आ। अद्धा चमचा पावांगे लूण दा, बाकी लूण देखो जिहड़ा आ तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पाउणा आ। एक चमचा असीं पाउणा आ लाल मिर्च दा, अद्धा चमचा जिहड़ा पाई आ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ते अद्धा चमचा जिहड़ी पावांगे लाल मिर्च। एक चमचा पावांगे लसन, लसन जिहड़ा आ आपां कुट लिया चंगी तरह। दो चमचे पावांगे मैदे दे, दो चमचे पावांगे कॉर्नफ्लोर दे। कॉर्नफ्लोर दी जगह ते तुसीं अरा रोट भी पा सकते हो। बिल्कुल थोड़ा जिहा पावांगे असीं रैड फूड कलर, ये ऑप्शनल आ, पाना चाहो तो पा सकते हो। तीन चार चमचे जिहड़े आपां पानी दे पा लैणे। ये जिहड़ी कोटिंग आ गोभी दे उत्ते आ चंगी तरह लग जानी चाहीदी आ। गोभी जिहड़ी आ साडी तैयार आ। हुण जिहड़े चौल आ आपां उह चैक कर लैंदे आ। चौल जिहड़े आ साडे तैयार ने, थोड़े जिहे आपां इक वारी इहदा चैक कर लैणे आ, चौलां नूं तोड़ के देख लैणा आ कि चंगी तरह पक गए आ। ते हुण इहनूं आपां गैस नूं बंद कर देणा आ ते छाननी दे विच पा के चौलां नूं आपां छान लैणा आ ते पाणी जिहड़ा इहदा सारा आपां कढ दांगे ते फिर इहनूं साइड ते रख दांगे, ठंडे हो जूगे उदों तक। तेल जिहड़ा चंगी तरह गर्म हो गया, गोभी नूं आपां फ्राई कर लैणा। गोभी जिहड़ी आ साडी हो गई आ फ्राई। दूजी बारी जदों फ्राई करनी आ तेल नूं फिर एक बारी चंगी तरह गर्म कर लेना है। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਦਾ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਆ ਪਿਆਜ਼, ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇਲ
बस तुसीं हल्का जिहा ही भुनना है, 2 मिनट वास्ते बस भुनोगे। 2 लईयां हरियां मिर्चां, मिर्चां ही पा लेंगे। अद्धी कौली लए हरे मटर, मटर पाओ। दो क मिनट लिए आप इन ढक देंगे ताकि मटर जेडे आ वह नरम पै जाऊंगे। फिर दो तीन मिनट तक बस भुनिया है आप, मटर जेडे आ हो गए नरम। जे लगन की मटर जेडे थोड़े जे ज्यादा सख्त आ, जे तो पतली फली वाले मटर हो तो छेती नरम पै जाते हैं, जे लगन की थोड़े मोटे आ फिर तुम उन्होंने पहला उबाल के फिर प्याज के बिच पाना है। हुण इहदे च पावांगे 1 चमचा नींबू के रस का। नींबू की रस की जगह तुसीं सिरका जिहड़ा आ उह भी पा सकते हो। 1/2 चमचा पावांगे लूण का, 1/2 चमचा पावांगे लाल मिर्च, थोड़ी जी पावांगे काली मिर्च, गोभी पा लेंगे। सेक जिहड़ा है घट रखना है। चौल पा देने हैं। दो क मिनट तक बस असी इनू सेक लवाया है। चौल जिहड़े आ साडे तैयार आ बण के, गैस पर बंद कर देनी है। इनू आपां प्लेट च कट लैणा। गोभी के फ्राइड राइस जिहड़े आ साडे बन के तैयार आ, बहुत ही वधिया बन के तैयार होए आ। तुसीं इसे तरीके नाल इहनूं बना के खाओ। वीडियो नूं प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली वारी आ के वीडियो देखदी पई तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद।